मैं डॉक्टर सीएल महावर आज बीए सेकेंडरी की छात्राओं को हिंदी साहित्य के रीति काल के काव्य धाराओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। रीति काल वह काल था जिसमें राजाओं का राज था और इस काल के जो जितने भी कवि थे राज दरबारी कवि थे और राजा के दरबार में रह कर के काव्य कर रहे थे। राजा को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना कर रहे थे और राजा से पुरस्कार प्राप्त कर रहे थे। तो रीतिकाल के जितने भी कवि थे उनको रीतिकालीन काव्य धारा के कवि कहा जाता है और इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध काव्य उन कवियों को कहा गया है जिन्होंने कविता को काव्य गुणों के काव्य नियमों के आधार पर काव्य रचना की, अर्थात छंद, अलंकार, लय, गेय, ता इत्यादि जो काव्य के नियम थे उन नियमों में बंध कर जो काव्य रचना की उसे रीतिबद्ध काव्य कहा जाता है। और इस काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि थे केशवदास। और केशवदास की रचना थी चिंतामणि, इसकी श्रेष्ठ रचना थी। इसी प्रकार से रीतिमुक्त काव्य धारा के अंदर उन कवियों को माना जाता है जिन्होंने जो रीतिकाल के नियमों के अंदर बंधकर काव्य रचना की उन नियमों का उन्होंने पालन नहीं किया, उन नियमों को उन्होंने स्वच्छंद होकर के उन नियमों से अलग हट करके काव्य रचना की, उसने रीतिमुक्त काव्य कहा गया। अर्थात नियमों का पालन तो किया लेकिन उस रूप में नहीं किया जैसा कि रीतिबद्ध काल के कवियों ने किया। इनकी कविता में जो पद लिखा उस पद का पूर्ण रूप से स्वतंत्र अर्थ निकलता था। अतः इस काल के इस धारा के कवि रीतिमुक्त कवि कहलाए और इस रीतिमुक्त कवि काव्य धारा के प्रमुख कवि थे भूषण कवि और भूषण की जो प्रमुख रचना थी शिवराज भूषण। इसी तरह से रीतिसिद्ध कवि कहलाए, रीतिसिद्ध काव्य धारा वह काव्य धारा कहलाए जिसके अंतर्गत उन्होंने रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त दोनों रूपों में अपने काव्य रचना की। अर्थात इस काल के कवियों ने यानी इस काव्य धारा के कवियों ने रीतिबद्ध होकर के भी और रीतिमुक्त होकर के भी काव्य रचना की, अर्थात नियमों का पालन भी किया और नियमों का पालन भी नहीं किया काव्य धारा का, काव्य रचना का। तो इस प्रकार की काव्य रचना की गई उसे रीतिसिद्ध काव्य धारा का। अर्थात इस काव्य धारा में उन्हें रीतिबद्ध का भी ध्यान था और रीतिमुक्त का भी ध्यान था। दोनों के नियमों का यानी दोनों के बीच की काव्य की रचनाएँ जो की वो रीतिसिद्ध कवि का है। और इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे बिहारी और बिहारी की सत्सई है वह सर्वश्रेष्ठ इनकी रचना है। इस प्रकार से हम ले सकते हैं आखिर रीतिकालीन काव्य धारा के तीन रूप थे, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। और इन तीनों के प्रमुख जो कवि थे रीतिबद्ध के केशवदास थे, रीतिमुक्त के भूषण थे और रीतिसिद्ध के बिहारी थे। इनकी एक एक काव्य रचना भी मैंने बताई है, जैसे कि रीतिबद्ध की चिंतामणि थी केशवदास जी की, भूषण की शिवराज भूषण थी और बिहारी की एकमात्र रचना थी जिसे कि बिहारी सत्सई कहते हैं। तो इस काव्य धारा की प्रमुख जो धाराएं थी रीतिकाल की तीन धाराएं थी और तीनों धाराओं के प्रमुख प्रमुख इस प्रकार थे केशव, भूषण और बिहारी। आज आपको रीतिकालीन काव्य धारा के बारे में बताया और इसे ध्यान में रखना की बात यह है कि रीतिकालीन काव्य तीन भागों में विभक्त होकर के भी अपनी काव्य रचना में मात्र श्रृंगार का वर्णन है, चाहे रीतिबद्ध का हो, चाहे रीतिमुक्त का हो, चाहे रीतिसिद्ध का हो, तीनों
काव्य धाराओं के अंदर कवियों ने श्रृंगार का वर्णन किया, नायिका के सुंदरता का, नायिका के रूप का वर्णन किया। यह है रीतिकालीन काव्य। धन्यवाद।